बाय द वे हम डिस्कस कर रहे थे कल फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन एक बार और दोबारा डिस्कस कर देते हूँ जीरो से। मैं बेटा फंक्शन क्या होता है, कोई भी चीज अगर मान लो इस तरीके से लिखी हुई है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या आता है, y फंक्शन है किसका, x का, या मैं कहूँ y डिपेंड अपॉन x, y डिपेंड ऑन x, इसका ये मतलब है सीधा। x यहां पर इंडिपेंडेंट है और y यहां पर डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट है, क्लियर है। हाँ जी विकास जी, हाँ जी सर बताइए, क्या इन सबको क्लियर है, क्या मैसेज आ रहा है, रिकॉर्डिंग वाला कर दिया आपने ऑप्शन स्टार्ट, हाँ क्या ऑप्शन मैसेज आ रहे बच्चों के, वेरी गुड। y डिपेंड अपॉन x, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो आपका x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टू टी प्लस फोर, सिंपल से एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तो x इज फंक्शन ऑफ t, जैसे जैसे t की वैल्यू चेंज करेगी x भी क्या करेगा, चेंज करेगा, क्लियर है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ x इज फंक्शन ऑफ t, जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे x भी बदलेगा, t की वैल्यू 1 पुट कीजिए अलग आएगा x की आंसर, t की वैल्यू 2 पुट करेंगे x का आंसर क्या आएगा, अलग आएगा, जैसे जैसे t बदलेगा वैसे वैसे x भी क्या करेगा, चेंज करेगा, क्लियर है। तो पहले तो हमने ये समझ लिया फंक्शन को, और फिर हमने सीखा था कि एक के बदलने से, एक के चेंज होने से, मान लो t के बदलने से x में कितना चेंज आया, दैट इज डेल्टा x by delta t, change of x with respect to change in time, x में कितना चेंज आया t के चेंज होने से, क्योंकि t को चेंज करोगे तो किस में चेंज आएगा, x में चेंज आएगा, और इसको क्या बोला था बेटा, रेट ऑफ चेंज, क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज। आप लोग सभी बच्चे आंसर करेंगे ये कैसा रेट ऑफ चेंज है, एवरेज की इंस्टेंटेनियस, बोलिए बेटा एवरेज की इंस्टेंटेनियस बोलिए, हाँ जी क्या बोल रहे हैं बच्चे जी, एवरेज, वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर किया एवरेज, मैं आपके आंसर देख रहा हूँ, वेरी गुड नमन, अंजलि, स्वीटी, आदित्यराज, वेरी गुड बेटे सभी, मोहित ने भी आंसर किया है, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। मैं आप लोगों का मैसेज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि आप इस एवरेज रेट ऑफ चेंज के दो एग्जाम्पल देंगे, फास्ट मैं देख रहा हूँ कंप्यूटर स्क्रीन को कि आपका आंसर क्या लिख रहे हो आप, क्या आपने एग्जांपल दिए, जनरल सेंस लगाइए, कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी, अभी आपको जनरल बातें सिखा रहा हूं, मैथमेटिक्स की छोटी छोटी बातें जो फिजिक्स में काम आने वाली हैं। तो दो एग्जांपल बताएंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज का, फास्ट, हाँ रन इन ओवर, वेरी गुड ओके वेरी गुड, अर्निंग पर मंथ, वेरी गुड ओके वेरी गुड बेटे, सैलरी पर डे, ये सही नहीं लिखा अंजलि आपने बेटे, सैलरी पर डे ये एग्जांपल सही नहीं है। देखिए अगर मैं मंथ वाइज बात करूं, मान लीजिए आपके फादर एक शॉपकीपर हैं, एक दुकानदार, एक बिजनेसमैन है, और उन्होंने पहले दिन मान लीजिए आपके 1000 रुपए कमाए, दूसरे दिन 2000 रुपए कमाए, तीसरे दिन 500 रुपए कमाए, इस तरीके से एवरेज उन्होंने 30 दिन का उनके पास कैलकुलेशन है, तो आखिर में आपके फादर करेंगे क्या, 30 दिन में जो कमाया है उसको जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, और वो बोलेंगे कि एवरेज मेरी इनकम पर डे इतनी है। मतलब अगर हम देखें कि भाई 1000 प्लस 2000 ऐसे कर कर मैं सारी डाटा को जोड़ दूं, जितने भी 30 डाटा हैं, और डिवाइडेड बाय कितने से कर दूं बेटा, 30 से, लेट ये निकल कर आता है 1500, तो आपके फादर ये बोल सकते हैं कि पर डे अपनी मोटा मोटी इनकम कितनी है, 1500 रुपये पर डे है, किसी दिन वो 1000, रियलिटी में किसी दिन वो 1000 भी हो सकती है, और किसी दिन कितनी हो सकती है, 2000 भी, लेकिन एवरेज कितनी आई, 1500 रुपए आई, एवरेज कितनी आई, 1500 रुपए, क्लियर है बेटा, क्या ये एवरेज कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपसे देता हूँ, जनरल पूछता हूँ, मान लो अभी जैसे अप्रैल मंथ चल रहा है, अप्रैल से मई मंथ के एंड तक, अप्रैल एंड से मई मंथ के एंड तक टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एवरेज रेट ऑफ चेंज का है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज कितना है बेटा, 5, और समय कितना लिया, 1 मंथ, एक मंथ में यानी कि 30 दिन में इतना टेम्परेचर चेंज हो गया, तो ये आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है, क्या है बोलिए बेटे बोलिए, 56 स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ठीक है, और दीपांशु को भी एडमिट कर देते हैं, तो 57
करे बेटे, सभी बच्चे आंसर करें यार। हाँ, रेट ऑफ चेंज तो है, परंतु कैसा है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि आपको पता नहीं है भाई कि ये 5 डिग्री सेल्सियस 30 दिन में बराबर बराबर बढ़ा है। हो सकता है कि 25 दिन में तो कुछ ना बढ़ा हो और लास्ट के 5 दिन में 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया हो, आगे ना बोलो भाई। तो ये कैसा रेट ऑफ चेंज है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। कैसा रेट ऑफ चेंज है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। गॉट माय पॉइंट? मैं आपका मैसेज देख रहा हूं बेटे, बताइए कैसा रेट ऑफ चेंज है ये? एवरेज रेट ऑफ चेंज। बिकॉज पता नहीं है कि 20 दिन में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। हो सकता है कि 5 दिन में बढ़ा हो, लेकिन मैंने मान लिया है कि 30 दिन में हर दिन बराबर बराबर बढ़ रहा है, और इसलिए एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसा है? ये कैसा रेट ऑफ चेंज है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। क्लियर है? आपको समझ आ रहा है सिंपल एवरेज रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है? क्लियर है? नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग व्हाट? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। व्हाट वी आर डिस्कसिंग? व्हाट? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी क्षण पर। अब मैं ये कह दूं, इस टाइम पीरियड को, डेल्टा टी को, जो मैंने अप्रैल से मंथ बोला है, देखो डेल्टा टी मतलब मैंने यहां पर क्या निकाला, डेल्टा टी बाय डेल्टा स्मॉल टी, डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब मैं इस 30 दिन को और छोटा कर दूं, एक दिन बोल दूं। क्या बोल दूं? एक दिन। एक दिन में बताइए कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। फिर एक दिन से मैं 1 घंटे पर आ जाऊं, फिर 1 घंटे से 1 मिनट पर, और फिर 1 सेकंड पर। क्या मैं टाइम को छोटा करता जा रहा हूं? तो मैं एवरेज की जगह किस पर आ रहा हूं? किसी भी एक क्षण पर आ रहा हूं कि बताइए अब कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। 1 सेकंड पहले से और 1 सेकंड बाद के बीच में बताइए कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, एवरेज का कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का? मुझे आप लोगों का आंसर चाहिए बेटे, फटाफट मैसेज करें। वेरी गुड। एवरेज नहीं होगा दीपांशु जी, जितना समय छोटा करते जाएंगे उतना ही आप इंस्टेंट पर आते जाएंगे, कुछ ही क्षण पर आते जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, जो स्पीड होती है आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वो क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। कल मैंने क्वेश्चन किया था कि आप भिवानी से दिल्ली गए, 100 किलोमीटर दूर है, और आपको कितना समय लगा? 2 घंटे लगे। तो जो दूरी चेंज हुई वो कितनी है? 100 किलोमीटर, और कितना समय चेंज हुआ? 2 घंटे। तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी बेटे? 100/2, दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? लेकिन अगर मैं आपसे किसी भी एक क्षण पर, जब आप गाड़ी चला रहे थे तो मैंने आपको बोला बता भाई तेरी स्पीड कितनी है, एक क्षण पर मैंने आपसे स्पीड पूछ ली, तो ये तो एवरेज है 50, लेकिन उस क्षण पर मान लो आपने आंसर किया 70, तो वो कौन सी होगी? एवरेज इंस्टेंटेनियस। बोलिए बेटे, बोलिए, एवरेज की इंस्टेंटेनियस कौन सी होगी? फास्ट। भाई 4-5 बच्चे आंसर दे रहे यार, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी क्लास का। अरे क्या हो गया तुम लोगों को? 11th क्लास तो जोश से भरी होती है। इंस्टेंटेनियस, वेरी गुड, अब आया मजा भाई। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और भाई साहब आप ये याद रखेंगे, इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। ठीक है? एवरेज रेट ऑफ चेंज को सिंबल ऐसे दिखाते हैं, जैसे मैं मान लू, जैसे यही फंक्शन ले लू मैं, y is फंक्शन ऑफ x, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये कैसा है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन जब आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दिखाना होगा तो सिंबल डेल्टा की जगह d हो जाएगा, स्मॉल d, एंड dy बाय dx, फास्ट। आप बताइए जो 1 है वो कौन सा रेट ऑफ चेंज है, और जो 2 है वो कौन सा रेट ऑफ चेंज है? 1 कौन सा रेट ऑफ चेंज है और 2 कौन सा रेट ऑफ चेंज है, और उसके सिंबल समझ आए कि नहीं आए, आपको मेरे को मैसेज के थ्रू बताना है। ओहो, फटाफट फटाफट बताइए भाई, क्या समझ आया कि नहीं आया? 1 कौन सा है? एवरेज। वेरी गुड। 1 कौन सा है? एवरेज। एंड 2 इज इंस्टेंटेनियस। वेरी गुड। अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बताइए कि इस केस में डेल्टा एक्स, जो आपका डेल्टा एक्स का मतलब कि चेंज इन एक्स, और यहां पर चेंज इन एक्स ये भी है, लेकिन किस में इंटरवल ज्यादा होगा? डेल्टा एक्स ज्यादा होगा कि डेल्टा, ये डेल्टा एक्स ज्यादा होगा कि डी एक्स ज्यादा होगा? इन द सेंस इंटरवल, इंटरवल किस में ज्यादा होगा? बोलो भाई, इंटरवल किस में ज्यादा होगा? बोलिए भैया, इंटरवल किस में ज्यादा होगा? 2 में इंटरवल नहीं ज्यादा होगा बेटे, 1 में इंटरवल ज्यादा होगा।
वेरी गुड। इंटरवल किसमें ज्यादा होगा? एक में, दो में इंटरवल कम होगा। क्लियर है कि नहीं बेटे? जैसे मैंने बोला कि अप्रैल से मई के बीच में टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस। अब मैं बोलू कि बताओ एक दिन में कितना हुआ, फिर एक घंटे में बोल दूं, फिर आपको एक मिनट में बोल दूं और एक सेकंड में। मैं इंटरवल को छोटा करता जा रहा हूं, और इंटरवल को जब छोटा करते जाएंगे तो हम एवरेज से किस पर आ जाएंगे, इंस्टेंटेनियस में। तो इंटरवल छोटा किस में होगा, इंस्टेंटेनियस में, और इंटरवल बड़ा किस में होगा, एवरेज में। गॉट माय पॉइंट, यस और नो? बोलिए भाई साहब। हाँ जी अर्जुन, अब आपको समझ आया? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे बोलो सर, रिपीट कर दें। एक क्वेश्चन के थ्रू ही रिपीट करता हूं बेटे मैं आपको, ठीक है? एक क्वेश्चन के थ्रू ही रिपीट करता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी मिलेगी। पहले तो ये बताइए कि कौन किसका फंक्शन है, कौन किसका फंक्शन है? सर देखकर बताइए कौन क्या आंसर कर रहे हैं बच्चे, कौन किसका फंक्शन है इस क्वेश्चन में, कौन किसका फंक्शन है? एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, एक्स इज फंक्शन, वेरी गुड, एक्स इज फंक्शन ऑफ टी। एक्स आपकी किसी भी समय पर एक बॉडी की पोजिशन है, मैं दे रहा हूं आपको, एक्स है पोजिशन, और टी यहां पर टाइम को डिनोट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी समय एक बॉडी की पोजीशन किस पर डिपेंड करती है, टाइम पर। क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि स्पीड बताइए उस ऑब्जेक्ट की बिटवीन टाइम इंटरवल 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5 सेकेंड स्पीड बताइए किस इंटरवल के बीच में, 0 से 5 सेकेंड के बीच में। तो देखो बेटा आप क्या करेंगे, पहले टाइम को क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, और आप निकाल लेंगे उस समय बॉडी की क्या पोजीशन थी। तो देखो टी का 0 का स्क्वायर 0, यहीं पर भी 0 आ जाएगा, और एक्स कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जब टी कितना था, 0 था। देखो मैंने पैरों में लिख दिया, एक्स जब कितना था, टी 0 था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 आई, और एक्स की वैल्यू जब टी कितना हो जाए, 5 हो जाए, तो कितनी होगी बेटे, देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 30 प्लस 31 आ गया बेटे। क्या समझ में आया? x अगर पूरी है, पोजीशन है, तो इसको मैंने मीटर में नापा है, और टाइम को मैंने किस में रखा है, सेकंड में। पोजीशन को किस में नापा है, मैंने मीटर में नापा है। क्लियर है? तो ये 1 मीटर, और ये कितना हो गया, 31 मीटर। अब स्पीड पूछ रहा है, स्पीड क्या होती है, कितनी दूरी चला, कितने समय में चला, डेट विल बी, आप कह सकते हैं कि एक्स कब, जब टी इज इक्वल टू 5 था, माइनस एक्स टी इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय t at 5 t2 या फिर t5 minus t0। got my point, yes or no? समझ आया कि नहीं आया भाई, समझ आया नहीं आया? अरे बेटे स्पीड होती क्या थी, दूरी में कितनी कवर की, दूरी कितनी कवर की भाई, एक पर तो वो खड़ा ही था पहले जब समय 0 था, और t is equal to 5 पर 31 हो गया, तो दूरी कवर तो बेटा 31 माइनस 1 30 ही तो होगी, हाँ के ना? और समय कितना लिया, 0 से 5 5 सेकंड लिया। अरे बोलो भाई, क्या क्लियर नहीं हुआ? मोहित बेटे जी बोलो। ओके, आया कि नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसको लिखते ऐसे हैं, x जब टाइम कितना था 5, माइनस x जब टाइम कितना था 0, और समय एट, या फिर अगर आप बोल सके फाइनल माइनस इनिशियल, और भी अच्छा है, फाइनल समय माइनस इनिशियल समय। क्लियर है बेटे? तो ये हो जाएगा आपका 31 माइनस 1 बटे में 5, एंड दैट विल बी इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, अब यही क्वेश्चन मैं कहूं कि आप स्पीड निकालो 0 to 2 सेकेंड के बीच पहला, और फिर मैं कहूं 0 to 1 सेकेंड के बीच, देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 1 2, और तीसरा देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 0 to 0.01 सेकेंड, मैं 5 मिनट दे रहा हूं आपको, ये तीनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप। ये टाइम इंटरवल मैंने बदल दिए हैं, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो सेम है, x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस t प्लस 1,
और उसके लिए तीन टाइम इंटरवल अब मैंने दे दिए हैं। अब इनके लिए मेरे को आप स्पीड बताएंगे, इनके लिए मेरे को क्या इनके लिए आप मेरे को क्या बताएंगे, स्पीड। वेरी गुड, करो भाई, सारे बच्चे करेंगे, एक बच्चा भी ना छूटे। आप मेरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के देने के तरीके से ही समझ सकते हैं, सर यू आर डिक्रीजिंग व्हाट टाइम इंटरवल, आप एवरेज से किसकी तरफ मूव करना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरफ। आप मेरे पॉइंट को समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई। अरे बोलो, क्या आप मेरे पॉइंट को समझे कि नहीं समझे? मानसी, एकता, अंजलि, आप जो कर रहे हैं बेटे आंसर दे रहे हैं, क्या आप मेरे पॉइंट को समझे? मैं टाइम इंटरवल छोटा कर आपको एवरेज से किसकी तरफ लेके जा रहा हूं, किसकी तरफ लेके जा रहा हूं, इंस्टेंटेनियस की तरफ। अच्छा बेटे जी, क्या स्क्रीन क्लियर है, क्या वॉइस क्लियर है? प्लीज, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि स्क्रीन और वॉइस क्लियर नहीं है, मैसेज के थ्रू ये भी बताएंगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। क्लियर है? ओके, लेट डू द क्वेश्चन। जीरो से टू के बीच में आपने निकाल लिया क्या, नहीं निकाल लिया, बोलो भाई, बोलो। जीरो से टू के बीच में निकाल लिया, देखते हैं पोजीशन कितनी आएगी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अभी अभी आपने निकाल रखी है, वो तो वन मीटर ही आएगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है। एक्स इज इक्वल टू टू पर बताइए कितनी होगी, टी इज इक्वल टू टू, बोलिए बेटे कितनी होगी, टी इज इक्वल टू जीरो, बेटे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। टी इज इक्वल टू टू पर दो का स्क्वायर चार, चार और तीन सात, आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो सात माइनस एक बाय में दो, तो ये आपका आ गया कितना, छह बाय दो, दैट विल बी इक्वल टू थ्री मीटर पर सेकेंड, थ्री मीटर पर सेकेंड। और एक्स इज इक्वल टू सेकेंड केस में बताएं आप, जीरो पर कितना होगा, एक्स जीरो पर कितना होगा, जब समय जीरो है तो वन ही होगा, और एक्स इज इक्वल टू वन पर कितना होगा, थ्री हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, टू बाय टू, इन दोनों को माइनस करेंगे, सॉरी वन, टू बाय वन, दैट विल बी टू मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड तो टाइम इंटरवल था, वो एक ही का गैप था। लास्ट वन क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन बताएंगे भाई साहब, लास्ट वन क्वेश्चन। बेटे स्क्रीन मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है, आप प्लीज बेटे अपनी तरफ का नेटवर्क चेक करेंगे, मेरी तरफ से स्क्रीन क्लियर है। कल प्रॉब्लम थी मैंने माना, आज क्योंकि वीडियो मैं साथ ही साथ देख रहा हूं आप लोगों की, तो बिल्कुल स्क्रीन क्लियर है, ऑल क्लियर। थर्ड पार्ट का आंसर बताएं बेटे, थर्ड पार्ट का आंसर बताएं। थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आपका पॉइंट का स्क्वायर हो गया ना इस बार, लेकिन घबराने वाली बात इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो आप देखें, x 0 पर तो 1 था, x इज इक्वल टू 0.01 पर, 0.01 पर कितना होगा, 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 बाय प्लस में 1, प्लस में 1, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.0001 प्लस 0.01 प्लस 1, एंड इट्स कम्स आउट टू बी 1.0101, ठीक है। ये आपका x कितने पर आ गया, 0.01 पर, तो चेंज इन पोजीशन कितनी हुई, दिस माइनस दिस, एंड दैट्स कम्स आउट टू बी चेंज इन पोजीशन, अगर मैं बात करूं, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, फाइनल कितना है 1.0101 माइनस 1 बाय में 0.01, क्लियर है। तो इट्स कम्स आउट टू बी 0.0101 डिवाइडेड बाय 0.01, ठीक है। तो इन चीजों को आप सोल्व कर लेंगे और वहां से मेरे को स्पीड पता लग जाएगी। मेरा आपसे एक ही क्वेश्चन है, जब पहला, उससे भी पहला पार्ट जो दिया था मैंने 0 to 5 सेकंड दिया था, आप मेरे को सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे, जब मैं आपको ऐसे मूव करा रहा हूं तो मैं आपको एवरेज से क्या इंस्टेंटेनियस की तरफ नहीं लेके जा रहा क्या, हाँ के ना बोलो भाई, क्या मैं टाइम इंटरवल को छोटा नहीं कर रहा क्या बेटे, बताइए बेटे, अरे बोलो, बोलिए बेटे,
वेरी गुड वेरी गुड, 60 पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन द क्लास, वेरी गुड। आप लोग घर से इतना प्रयास कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं अपनी स्टडी को, तो ये आपको दिखाता है कि आप अपने फ्यूचर के प्रति कितना सजग है, कितने समझदार हैं आप। वेरी गुड बेटे, तो आप इंस्टेंटेनियस की तरफ जा रहे हैं। तो होपफुली मैं ये आपसे, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको क्लियर हो गया है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या अंतर होता है। मेरे हेयर की लंबाई एक दिन में बढ़ी या एक घंटे में बढ़ी, ठीक है, तो और एक केस दे रहा हूं, हेयर की लेंथ एक दिन में कितनी बढ़ी, और एक दे रहा हूं मैं एक मिनट में कितनी बढ़ी, कौन से वाला केस इंस्टेंटेनियस में आएगा, वन मिनट में कि एक दिन में वाला, बोलो भाई, एक दिन वाला कि एक मिनट वाला, बोलो कौन सा है, वन मिनट वाला। और अगर एक सेकंड दे दिया तो फिर कौन सा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, अगर मैं तीन केस दूं फिर कौन सा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, फिर कौन सा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सर? अब केस बदल दिया मैंने, वन सेकेंड, देखिए आपके दिमाग में की बत्ती चश्मे लग गई है कि जैसे ही टाइम इंटरवल छोटा होता जाएगा उसको इंस्टेंटेनियस के रूप में आप देखते जाएंगे। क्लियर है ना, एक दिन के आगे एक मिनट छोटा और एक मिनट के आगे एक सेकेंड छोटा है, तो आप पहले इसको बोल रहे थे, अब इसके कंपैरिजन में ये इंस्टेंटेनियस में आ गया है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? वेरी गुड। देखिए मिनटिंग टाइम अपना 10 सेकंड से कम का रह गया है, तो सॉरी 10 मिनट से कम का रह गया है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको एवरेज, पहले तो फंक्शन क्लियर हो गया है, और फिर आपको क्या क्लियर हो गया है, क्या क्लियर हो गया है, एवरेज कॉन्सेप्ट के साथ इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट, फंक्शन क्लियर है, फिर हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज क्लियर है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, फिर आपको क्या क्लियर है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको लिखते हैं डेल्टा, अगर मैं फंक्शन लिखूं आपका वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एंड इसी चीज को बेटे डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटे, डिफरेंशिएशन। ये सारी रामायण बताने के लिए मैंने कल की क्लास और आज की क्लास लगाई है, इस चीज को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? अरे बोलो, हाँ बिल्कुल बेटे, आपको मिलेगा, आज की क्लास बिल्कुल बेहतरीन रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको मिलेगा, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। फंक्शन क्लियर है, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्लियर है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्लियर है कि नहीं है, बोलो भाई, कोई डाउट है, कोई समस्या, क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ आप लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में इसको डी वाई बाई डी एक्स से लिखते हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसे भी लिखते हैं इसको, मतलब इस तरीके से भी मिले, इस चीज को इस तरीके से बोला जाता है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक ही मतलब। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट बेटे? नहीं है, मस्त। अरे बोलो, नो सर, क्या बच्चे पूछ रहे हैं, नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, नोट्स प्रिपेयर कैसे करेंगे, आपका ये जो डाउट है ना, क्या रिपीट कराऊं बेटे, फंक्शन, फंक्शन तो बेटा स्टार्टिंग से ही करवाया है, फंक्शन मतलब वाई किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे डिपेंड करता है। फंक्शन में आप अभी मैथ के बच्चे हो, मैथ में अच्छे तरीके से सीख जाएंगे जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, और जो मेडिकल वाले बच्चे वो परेशान ना हो, अगर एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है, जैसे नॉलेज आपकी, मैं कहूँ मेहनत पर डिपेंड करती है, एज के साथ आपको नॉलेज आती जाती है, तो नॉलेज इज फंक्शन ऑफ एज और नॉलेज इज फंक्शन ऑफ हार्ड वर्क। क्लियर है? तो उसमें कुछ आपका एक जनरल सेंस में आना चाहिए, फंक्शन होता क्या, एक चीज का दूसरी चीज पर डिपेंड करना ही फंक्शन है, एक चीज दूसरी चीज की फंक्शन है। क्लियर है? और मैथ वाले बच्चे तो सीख ही जाएंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। क्लियरिटी मिली? आप इसमें क्या कहेंगे, इसमें इंटरवल होगा बड़ा, इसमें इंटरवल लार्ज होगा, मुद्दे की बात समझिए आप, और इसमें इंटरवल क्या होगा, स्मॉल, इसमें इंटरवल क्या होगा, स्मॉल। ये बात आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन उठाइए, और ये बात जो इसमें बोर्ड पर लिखी गई है ये नोट कर लीजिए। क्लियर है? यही आज की क्लास का और कल और आज की क्लास का निचोड़ है।
ठीक है, dy by dx, that is differentiation of y with respect to x, और इसको क्या और पढ़ सकते हैं, rate of change of y with respect to x. एक क्वेश्चन जिसके साथ मैं आज की क्लास को खत्म करना चाहूंगा, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा. देखो भाई, आप भिवानी से दिल्ली गए, वही क्वेश्चन है बिल्कुल, 100 किलोमीटर दूरी है, कितना समय लगा, 2 घंटे. दिल्ली पहुंचने पर किसी ने आपसे पूछा कि बताइए आप किस स्पीड से चलकर आए, तो आप बोले देखो 100 किलोमीटर चला हूं और 2 घंटे लगे हैं, तो स्पीड कितनी रही होगी, 50 किलोमीटर पर आवर. परंतु ये हर क्षण पर रही होगी क्या? नहीं, ये आपने एक रफ आइडिया निकाल लिया कि भैया 100 किलोमीटर लगे चला, 2 घंटे में पहुंचा, तो मेरी जो रफ आइडिया है स्पीड कितनी रही होगी, 50 किलोमीटर. परंतु रियलिटी में कहीं आपके स्पीड 70 भी रही होगी और कहीं आपकी स्पीड 20 भी रही होगी. जब रोड खाली दिखा तो आपने एक्सीलेटर को दबाया, और जब भीड़ दिखी तो आपने स्पीड भी डाउन की. लेकिन खुदा ना खास्ता अगर जब आपकी स्पीड 70 थी और यहां पर आपका एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ चोट लग जाए आपको, तो जो चोट लगने की इंटेंसिटी होगी वो 70 पर डिपेंड करेगी कि 50 पर डिपेंड करेगी, बताइए भैया? वो 70 पर डिपेंड करेगी कि 50 पर डिपेंड करेगी? तो वहां पर आंसर करे भाई, वेरी गुड वेरी गुड, 70 पर डिपेंड करेगी. तो आप समझ गए होंगे 70 मतलब मैं किस स्पीड के साथ डील करना चाह रहा हूं उस समय, इंस्टेंटेनियस स्पीड के साथ. और लेकिन अगर मैं पूरी दूरी को देखूं तो मैं किस स्पीड के साथ डील करना चाह रहा हूं, 50 किलोमीटर पर आर के साथ. अरे बोलो, आना बोलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड. बेटे आप लोगों को समझ में आया, इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं है मेरे लिए, क्लियर है? तो आज की क्लास इतनी ही रखूंगा मैं छोटी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, ना एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर डालना चाहता हूँ. इसको रिवाइज कीजिए आप, और अपनी लाइफ में छोटे छोटे आपको एग्जाम्पल दिखेंगे इधर उधर, तो आप उनको इंस्टेंटेनियस और एवरेज में कैटेगराइज कीजिए, क्लियर है? और मेरे पास मैसेज कीजिए, सर मैंने ये एग्जाम्पल देखा था और मैं इसको एवरेज बोल सकता हूँ कि इंस्टेंटेनियस, मेरा दिमाग ऐसा कहता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है? अपने आप को ट्रिगर कीजिए, क्वेश्चन को देखिए लाइफ में, जो रियल लाइफ में आपके आ रही है चीजें, उसको कैसे आप साइंस के साथ रिलेट कर सकते हैं. गॉट माई पॉइंट? चलिए आज के लिए इतना ही. होपफुली आपके लिए सेशन आसान रहा होगा, इंजॉयबल रहा होगा, और कल नई ताकत के साथ, नई स्ट्रेंथ के साथ हम वापिस आपसे जुड़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू.